दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर या डीएसपी, एसपी, तो ये सारी पोस्टें जो है वो क्रिएट की गई हैं। सारी पोस्ट नई निकल के आ रही हैं, तो उन सब के बारे में क्या अपडेट है पूरी चर्चा करेंगे हम, पूरा डेप्थ में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पर जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। और इसी के साथ में ही दोस्तों, वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल का ऐसा है कि टेलीग्राम पे हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नई जॉब अपडेट्स देते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि नए लिंक्स, ऐसे यूट्यूब लिंक्स प्रोवाइड करते हैं या बहुत सारा ऐसा अपडेट देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की थी, अब वो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उस पीडीएफ की तरफ। देखिए यहाँ पे ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये पीडीएफ मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट का ये जो है वो ऑर्डर है। इस पर हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्रिएशन ऑफ पोस्ट रिगार्डिंग। तो अब ये क्या बता रहा है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक जो है वो क्रिएट कर दी जा रही है, यानी कि हमारी जे एंड के यूटी में स्टेट इन्वेस्टिगेशन SIA जो है वो क्रिएट कर दी जा रही है। तो जिसमें जो है वो कुछ पोस्ट जो है वो क्रिएशन की गई है उनकी। गवर्नमेंट ऑर्डर दिस, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम चलते हैं सीधा नीचे। सेंक्शन इज हेयर बाय अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन ऑफ फॉलोइंग 252 पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मतलब हमारे जे एंड के यूटी में एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बनने जा रही है, और उस यूटी के लिए उसमें हमें क्या क्या जो है वो ज़रूरत है, क्या क्या पोस्टें जो है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIGP। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लेवल 13A है पोस्ट का, और पोस्ट जो है वो एक है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP के की पोस्ट है दोस्तों लेवल 13। तो यहाँ पे अगर आप देखें तीन पोस्टें हैं ये SSPs की। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब SP की पोस्टें की भी कितनी है दोस्तों, तीन। इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की भी जो है वो एक पोस्ट है, उसी तरह से चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर CPO की पोस्टें जो है वो तीन हैं। इसी तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब DYSP की पोस्टें जो है वो 10 हैं। सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की 5 पोस्टें हैं, इंस्पेक्टर की 12 पोस्टें हैं, सब इंस्पेक्टर की 21 पोस्टें हैं। तो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट जो है वो कितनी है, एक तो सब इंस्पेक्टर है, दूसरा सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट। तो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट की भी जो है वो 21 पोस्टें हैं। हेड कांस्टेबल जो है वो कितनी है, 40 है, ठीक है। इसी तरह से हमारी नीचे अगर चलें तो कांस्टेबल की 88 पोस्टें हैं। ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल 8 एक पोस्ट, इंस्पेक्टर 2 पोस्टें, इंस्पेक्टर स्टेनो 3 पोस्टें हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें सब इंस्पेक्टर ये देखिए 10 पोस्टें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 10 पोस्टें हैं, हेड कांस्टेबल 6 पोस्टें हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे चलें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेड कांस्टेबल 6 हैं और SG कांस्टेबल 12। तो टोटल हैं आपके 252 पोस्ट हैं। तो ये सारी बाय ऑर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आप देख सकते हैं 21 जून का ये ऑर्डर है, तो 2 दिन पहले का ये ऑर्डर है। अब देखिए ये पोस्टें जो है वो क्रिएट कर दी गई हैं, तो ये कॉपी टू अलग अलग जो हमारी स्टेट के यूटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए इनको फॉरवर्ड कर दिया गया है दोस्तों। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि क्या इन पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या पुलिस में से ही इनको ले लिया जाएगा। देखिए इसके बारे में तो हमारे इस ऑर्डर में कहीं मेंशन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। तो पोस्टें तो क्रिएट की गई हैं। अब देखिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्रिएट हो रही, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन रही है, तो अब इसका ये हो सकता है कि मे बी ये जितने भी पोस्टें हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनमें से ही बंदों को सिलेक्ट करें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हो सकता है कुछ ऐसा वो सिस्टम बनाए जिसके थ्रू वो शॉर्टलिस्ट करें
SIA के लिए, ठीक है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। तो या ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, जो DYSP सब इंस्पेक्टर के ऊपर जितनी भी पोस्ट है, DSP है, SP है, SSP है, DIGP है, या सीनियर DIGP है, तो इन सब के लिए दोस्तों तो क्लियर कट है कि कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। ये ऐसी पोस्ट है, इनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो हाँ, अब DYSP का ये है कि वो JKAS के थ्रू होता है, बाकी सब इंस्पेक्टर से नीचे की अगर बात करें तो उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट होती है और हो सकती है JKSSB के थ्रू, या JKP खुद ही इनकी जो है वो कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो JKSSB को दी जाती है, जो सब इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट हैं, या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो इन्हें खुद चूज़ करती है, जो प्री एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं JKP पे। देखना यही होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप तक कोई ऐसा अपडेट आता है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे हमारे साथ जुड़ जाए, या अगर आपके कोई राय है इस वीडियो के रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।